माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। मैं करवा चौथ पर बात कर रहा हूँ, यानी करवा चतुर्थी पर बात कर रहा हूँ। इस दिन पत्नियाँ उपवास करती हैं, कठोर उपवास करती हैं, जिससे उनके पति की आयु बढ़े। इसी विषय पर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। करवा चतुर्थी यद्यपि आज एक दूसरा रूप भी ले चुकी है, बहनें खूब सजती धजती हैं, मार्केट जाती हैं, आज इसका कुछ व्यवसायीकरण भी हुआ है, बावजूद उसके कहीं ना कहीं आज भी हर बहन के मन में वह बात रहती है कि उसकी पूजा से और उसके उपवास से उसके पति की आयु बढ़े। अब यह उपवास करना कैसे है या इस उपवास में क्या प्रमुख चीजें होनी चाहिए, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, करवा चतुर्थी की जब बात करते हैं तो एक कथा अक्सर सुनाई जाती है और कहा जाता है यह पौराणिक कथा, यानी पुराण से ली गई कथा है, लेकिन इसका कोई प्रमाण मिला नहीं है। इस कथा से बहुत सारी बहन बेटियां माएं बच्चियां वो डर भी जाती है। कथा यह है कि एक साहूकार के यहां उसकी बेटी आई, शाम को सब लोग भोजन कर रहे थे, उसे कहा भोजन करो तो उसने कहा नहीं, करवा चतुर्थी है, चंद्रमा देखने के बाद मैं भोजन करूंगी। एक भाई से प्रेमवश ये सब देखा नहीं गया क्योंकि उसकी बहन बहुत व्याकुल थी, भूख प्यास से तड़प सी रही थी, कमजोर हो रही थी, तो उसने एक दीपक छत पर रख दिया और अपनी बहन से झूठ बोला कि चांद निकल आया है, उसके दर्शन करो और भोजन कर लो। बहन ने ऐसा किया। ऐसा करने के बाद उसको उसके पति के निधन का समाचार मिला। उसके बाद एक वर्ष तक वह स्त्री अपने पति के शव को रखकर उपवास करती है, कठोर तप करती है, जिसके फलस्वरूप करवा देवी प्रकट होती हैं। और करवा देवी एक खास तरीके से उसके पति को जीवित करती हैं। वह खास तरीका क्या है? उसके उस भाई की पत्नी के पास वह जाती है और वह भाई की पत्नी उस करवा देवी को पकड़ लेती है और पकड़ के तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि वह उस व्यक्ति को यानी अपनी ननद के पति को जीवित ना कर दे। फिर करवा देवी इससे प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति को जीवित कर देती है। इस स्थिति से करवा चतुर्थी आगे बढ़ती है और बहुत सारे लोग इसे मनाने लगते हैं। करवा चतुर्थी के पर्व पर जो गर्भवती माएँ हैं वो या जो बीमार माएँ हैं वह चिकित्सीय सलाह लिए बिना कठोर उपवास ना करें, क्योंकि सूर्य उदय से पूर्व आप खाते हैं और उसके बाद दिन भर जल भी नहीं पीते हैं, और बहुत सी माता बहनों और बेटियों को दिन भर कार्य करना पड़ता है, कार्य से मुक्ति उनको नहीं मिलती। कहीं इसका बुरा असर गर्भ में ना पड़े या शरीर पर ना पड़े, इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा प्लीज। कुछ एक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं जो घर के पुरुषों के या पतियों की आयु को बढ़ाते हैं, लेकिन एक खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस भी घर में मैं ये सामान्य उपाय बता रहा हूँ, इस दिन विशेष का उपाय नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस दिन विशेष को आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिस घर विशेष में जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक कराते हैं या महामृत्युंजय का जप कराते हैं तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और उनकी आयु को बल मिलता है। एक और उपाय बहुत ध्यान से सुनिए, करवा चतुर्थी के दिन यदि आप तुला दान करती हैं अपने पति की आयु वृद्धि के लिए तो वह पति की आयु में वृद्धि में सहायक होता है। यह उपाय बहुत अच्छा है। एक और भी चीज है, जिस घर की स्त्रियां अपने पति की आयु के निमित्त
गाय को भोजन कराती हैं या गाय के स्वास्थ्य के लिए दवा इत्यादि देती हैं या गौदान करती हैं, उनके पति की आयु बढ़ती है। ये वो उपाय है जिसे प्रभु स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये समाज में खुशियां लाते हैं। और जो भी व्यक्ति समाज में खुशियां लाता है, जो भी व्यक्ति बहुत सेवा भाव से समाज के लिए कुछ करता है, जिसमें अहंकार बिल्कुल नहीं होता, फिर भी वह समाज के लिए कुछ करता है, ऐसे लोगों से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और कुंडली के दुर्योग को भी बदल देते हैं। एक और विशेष चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आपके पति निरंतर बीमार रहते हैं या कहीं कोई परेशानी उन्हें बार बार इस प्रकार प्रभावित करती है कि उनका शरीर कमजोर हो रहा है, तब आप जो उपाय मैंने बताए हैं, अनाज दान, तुला दान, या फिर गाय की सेवा के निमित्त, या फिर रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय, इसके अतिरिक्त भी एक उपाय और कर सकते हैं। हर मंगलवार मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में, और करवा चतुर्थी के दिन करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में शहद भरकर उसे अपने पति पर वार कर और वो किसी गरीब को दे दीजिए। या मिट्टी के करवे में है, करवा चतुर्थी है ये, करवा, तो मिट्टी के एक करवे में अनाज अच्छे से भर कर और उसे किसी गरीब को दे दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। और आपका जो इस दिन के उपवास के पीछे का लक्ष्य है, वह लक्ष्य पूर्ण होगा। एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन स्त्रियों के पति बीमार रहते हैं या जिन स्त्रियों को डर रहता है अपने पति की आयु को लेकर, वह यदि अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती के अर्गला नामक स्त्रोत का पाठ करती हैं और नियमित रूप से करती हैं, तो उनके पतियों की आयु में वृद्धि होती है। मैं पुनः कहूँगा, सारे ही त्यौहार ऐसे हैं जिनमें स्त्रियाँ चाहे पति कहीं भाई के लिए कुछ मांगती हैं या बेटे के लिए कुछ मांगती हैं, क्यों ना पुरुष ऐसा करना शुरू करे कि वह अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी पत्नी के लिए कोई उपवास करे या कोई अनुष्ठान करे। समाज बदल रहा है, शायद ऐसा होने लगेगा। आगे की बात करता हूं, यदि सप्तम या अष्टम भाव पर मंगल अथवा राहु का कहीं कोई बुरा प्रभाव है या आपकी कुंडली में मंगल दोष पनप रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने विवाह की वर्षगांठ के दिन या तो रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का जप अवश्य करना चाहिए, और कभी कभी पीपल अथवा बरगद का पेड़ मंगलवार के दिन अवश्य रोपना चाहिए, और वो भी ऐसी जगह रोपना चाहिए जहां वो सूखे ना। इससे उनके जो वैवाहिक जीवन है उसके बल में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में अगर वृद्धि हो रही है, उस बल में वृद्धि हो रही है, तो उसका सीधा सा अर्थ क्या है, पति को स्वास्थ्य मिल रहा है, आयु मिल रही है। एक और मैं बहुत छोटा सा आपको बड़ा विशेष उपाय बताता हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंगल और राहु का प्रभाव यदि सातवें या आठवें भाव पर बहुत प्रबल रूप से है, या फिर दूसरे भाव पर या चौथे भाव पर प्रबल रूप से है, यानी आपकी कुंडली में यदि कहीं मंगल दोष उत्पन्न हो रहा है, तो आप एक उपाय जरूर कर लिया कीजिए, करवा चतुर्थी के दिन भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, वह है पीपल से विवाह। पीपल के चारों ओर एक सूत का धागा ले लीजिएगा सफेद, वो सात चक्कर आप लगा लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ी देर वहां आप बैठे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस दिन आप जल भी नहीं पीती तो भोजन करने को तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन उसके बाद यदि कुछ भोजन या अनाज का आप दान दे देंगी तो और भी अच्छा रहेगा। इस उपाय से प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, इस उपाय से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बड़ी खुशियाँ आई हैं। तो आप इस उपाय को करके देख सकते हैं, यदि मंगल दोष आपकी कुंडली में बहुत प्रबल है, आपके पति निरंतर बीमार रहते हैं, तो इस उपाय को करने से आपको लाभ होगा।
वैसे यह उपाय वैवाहिक जीवन का सुख भी देता है। एक बहुत विशेष बात का ध्यान रखिएगा, बाल चंद्र के दर्शन करने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको चंद्रोदय का लगभग समय भी बता दूंगा अभी, लेकिन बाल चंद्र के दर्शन यानी उगते हुए चंद्रमा के दर्शन ही करिएगा। बहुत सारे लोग काम आदि में व्यस्त होने की वजह से उस चंद्रमा के दर्शन करते हैं जो पूर्ण रूप में आ चुका होता है। नहीं, जब चंद्रमा बहुत धीमा हल्का मन रंग का होता है उस समय उस चंद्रमा के दर्शन करके आपको जल देना होता है, ना कि उस चंद्रमा के जो अपने पूर्ण रूप में आ गया है, जो स्वच्छ सफ़ेद हो गया है, तो नहीं। मैं आपको लिखाऊंगा कि करवा चतुर्थी का मुहूर्त क्या है, ठीक है, उसे अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको चंद्रमा को अर्घ देने का समय और विधि ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। बस चलिए मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, आपके कार्य आगे बढ़ सकते हैं। बस एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है और वो ये है कि आपके जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी से वाद विवाद ना हो जाए, अपने पेट और कमर का भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय कर ले, गेहूं का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि, यह दिन आपके सुख में थोड़ी सी कमी लाने वाला हो सकता है, माता पिताजी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, किसी आगवर से छोटी कन्या को सफेद वस्त्र और वो ना हो पाए तो शक्कर का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि, भाषा पर इस दिन बहुत नियंत्रण रखना है, अन्यथा कहीं कोई परेशानी हो सकती है। इस दिन कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी होंगी, धैर्य रखिएगा, तब दिन आराम से गुजर जाएगा, नहीं तो व्याकुलता महसूस करेंगे। एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर कर लीजिएगा, इस दिन सब्जी, कच्ची सब्जी यानी बिना पकी सब्जी का दान आप अवश्य करें। कर्क राशि, धीरे 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 आगे बढ़ते रहिएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखने की आवश्यकता है और वो ये है कि इस दिन यदि आपने धैर्य खोया, यदि वाणी का दुरुपयोग किया तो नुकसान होगा, वाहन भी धीरे धीरे चलाते रहिएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है और नमः शिवाय का जप जरूर करना है, ध्यानस्थ होगा, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, अपने क्रोध की वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं, धन हानि का भी इस दिन योग बना हुआ है, लेकिन शत्रु आपका अहित नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर के लिए दुखी जरूर कर सकते हैं। तो इस दिन अपने मन में थोड़ा सा धैर्य और शीतलता रखिएगा, छोटा सा उपाय कर लें, इस दिन चावल का दान आप अवश्य कीजिएगा। कन्या राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, भाग्य पक्ष बेहतर है, कुछ बाधाओं के बाद आपके कार्य जरूर बनेंगे, किसी की मदद मिलने की संभावना है या किसी से बात आदि करके आपको अच्छा लगेगा, बस आंखों का थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उपाय कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, इस दिन जल का दान जरूर कीजिए, लोगों को खूब जल पिलाइएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब करवा चौथ का मुहूर्त जरूर मैं आपको लिखवाऊंगा। तुला राशि से मीन राशि के लोगों को बड़ी जल्दी है, वो जानना चाहते हैं दिन में क्या नहीं करना और उपाय क्या करना है, तो चलिए फटाफट सुनिए। तुला राशि, भाषा पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, किसी पूर्वाग्रह से किसी से बात मत कीजिएगा, वैसे कुल मिला के वक्त आपके लिए ठीक है, चिंता ना करें, आगे बढ़े। वृश्चिक राशि, बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला इस दिन नहीं लेना है, विशेषकर संपत्ति से संबंधित या रिश्ते से संबंधित। आगे तो दिन अच्छा है, आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे और कुछ बेहतर होने की आशा भी जगेगी। एक छोटा सा उपाय, अरहर की दाल का दान जरूर कर दें। धनु राशि, बहुत सोच समझ कर इस दिन चलने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दिन कुछ शत्रु मित्र रूप में आपको परेशान करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बस अपने ऊपर विश्वास अवश्य रखिएगा, कोई परेशानी महसूस करें तो हल्दी का दान अवश्य कर दें और अभी अभी ओम नारायण नमो नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटिएगा। मकर राशि, थोड़ा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, एक छोटी सी चीज़ मेरी ज़रूर मान लीजिएगा, आज जल्दबाजी में
किसी व्यक्ति को ना दोस्त बनाइएगा और ना ही किसी पर कोई शक कीजिएगा, अन्यथा आगे पछताना पड़ सकता है। छोटा सा उपाय करें, 3 कुत्तों को भोजन जरूर दें। कुंभ राशि, ग्रस्त जीवन के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला ये दिन हो सकता है, शांति बना के रखिएगा। आज अपने पीठ और कमर और पेट का ख्याल जरूर रखिएगा। तो एक छोटा सा उपाय, रुद्राय नमः रुद्राय नमः का जप करके अपने काम पर चुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, अपने आंख और गले का ध्यान इस दिन विशेष रूप से आपको रखना है। कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है, किसी पुराने व्यक्ति से नई बात हो सकती है। कुल मिला के अच्छा वक्त है, चिंता ना करें, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, धन संबंधी मामलों में भी उन्नति होगी। एक छोटा सा उपाय करें, किसी गरीब को दूध का दान आज अवश्य कर दें। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए सबको दिल से देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत संभल के चलने वाले हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय लीजिएगा नहीं, कोई नया बड़ा कार्य शुरू मत कीजिएगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नए रिश्ते जोड़ने की कोशिश ना करें, खासतौर से वो रिश्ते जिनके साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है, यानी कोई बहुत करीबी मित्र या अपनी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे रिश्ते को जगह ना दें जिसके साथ लंबा चलने का आपका इरादा हो। परेशानी होगी, क्या करना होगा इन 12 महीनों में? धैर्य रखना होगा। मार्च 2018 तक कोई भी नया कार्य मत कीजिएगा, उसके बाद करिएगा। बल्कि मार्च 2018 तक सोचिए भी नहीं, जो चल रहा है उसी को किसी तरह खींच लीजिए, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि लगातार आपके सोर्स ऑफ इनकम पर यह वक्त प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, आपके मनोभाव पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, आपके रिश्तों को कमजोर करेगा। इसलिए थोड़ा संभल के चलिएगा, लेकिन एक उपाय है, अगर आप उसे करते रहेंगे तो लाभ जरूर होगा। अपने दिल की बात माता पिता से जरूर कहिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, रोजाना अपने हाथ से माता पिता को जल, दूध अथवा दूध से बनी हुई कोई चीज देकर उनसे आशीर्वाद लेकर ही दिन शुरू करना है। ये करिए, सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। अब आप नोट कीजिए, करवा चौथ की पूजा शुरू कितने बजे से करनी है? 18:20 यानी 6:20 से 7:31 के बीच में करवा चौथ की आप पूजा कर लीजिएगा। दिल्ली और उसके आसपास चंद्रोदय का समय है 8:43, लगभग ज्यादातर देश में 8:50 या 9 तक चंद्रोदय हो जाएगा, कहीं कहीं ये 7:50 पे भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान 7:50 के बाद से रखना शुरू कर दीजिएगा। 7:50 से लेकर 8:20 के बीच में अपनी पूजा पूर्ण करके आप छत पर या ऐसी किसी जगह पर चले जाइएगा जहां चंद्रोदय होते ही आपको दिख जाए और आप जल दें। अब चाहे छन्नी में चंद्रमा को देखकर जल दें, चाहे करवे से सीधा जल दे दें, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मिट्टी के करवे का ही इस्तेमाल कीजिएगा, उसी से जल देना चाहिए। आगे कोई समस्या हो, करवा ना मिले तो अलग बात है, ठीक है? तो मैं कामना करता हूँ कि आपको आपके जीवन साथी की पूर्ण आयु मिले और वह स्वस्थ भी रहे और आपसे सदा प्यार करें, आपकी सदा इज्जत करते रहें। और पुरुषों से भी मैं कहना चाहूँगा, सारे भाइयों से कहना चाहूँगा, बच्चों से कहना चाहूँगा कि यदि आपकी आयु की कामना के लिए कोई इतना कठोर तप कर रही है तो शाम को घर जल्दी आएं, और हो सके तो आप भी उपवास रखें। कल आयु में वृद्धि कैसे होती है जीवन साथी की, उसके बारे में कुछ और टिप्स दूंगा। तब तक राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है ABP News, आपको रखे आगे।